परिचय देंगी? मैं कमलजीत शेरावत पश्चिमी लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी। अभी आप होली मिलन समारोह में ही हैं, तो देश के लिए क्या? सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार सब मिलजुल कर मनाएं और आने वाले समय में, आज होली का एक संदेश ये भी है कि सत्य को चाहे आग में जलाओ, सत्य अपराजित रहता है। तो यही बात हमें आने वाले वोट में भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम अपने आप में सत्य हैं, तो वो सत्य को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना है ताकि सत्य अपराजित ही रहे। अच्छा, आप कितना सोचती हैं दिल्ली में कितनी सीट आ जाएंगी? 7 में से 7, 60% से अधिक। 7 में से 7, 60% से अधिक। 7% धन्यवाद। रहने वाले बच्चे हैं तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सबके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। पनीर भी होना चाहिए, ठीक है ना? हमने भगवान कृष्ण जी का नाम ले लिया है जी, गणेश जी का गणेश वंदना भी कर ली, तो एक पंजाबी थोड़ा सा एक दो गाने होली के वो भी हो जाए। लोगों को ये लगे, मुझे फोन आया कि भैया कल तो मजा नहीं आया, आज ना आप डीजे दूर कराना। मैंने कहा 5-6 बजे तक हमने पैसे दिए हुए, डीजे करेंगे सारे, हमारे जितने यंग स्टार हैं हम साथ में करेंगे। तो हमारे बीच में मोंटू मस्ती है, दो गाने पंजाबी के। सुरजीत जी का मैं तेरे दिलों धन्यवाद हाँ, जिन्होंने मैंने अपने नाल जोड़िया। एक बारी जयकार मार गए, बोले सोनहा, क्या बात है। रंग बरसे इको भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे चुनर वाली रंग बरसे। इतना मस्त ये दुआ साहब है, ये शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, ये हमारे मंत्रालय महामंत्री है, आप इधर पीछे इन सब के साथ भी। चाय पी के उनके करते अरे गाले बोले, अरे आप तो मेन हो महाराज, आप तो मेन हो। संजय गर्दी, नवीन गोयल जी, सनेजा जी, सरदार कुलतार सिंह जी जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, राम जोरा जी बहन जी जो यहाँ के मेन ऑर्गेनाइजर है इस फंक्शन की, पिछली बार तक भूत संभालते थे, अब भी संभालेंगे पक्का विश्वास है। और गहलोत साहब अपने हमारे आदरणीय सुखबीर सिंह जी हमारे बीच में हैं, विजय सोलंकी जी मेरे घर में लड़ाई कर रही है।
मेरे बच्चे कहते हैं दाढ़ी काटो, चार सौ रुपए में ही कटवाएंगे। नाम लूंगा उनसे, उनका मैं थैंक्स करूंगा कि मंच पे अभी तो जगह नहीं, हमारी बहन देवी गोयल जी की, हमारे दीदी हैं महिला अध्यक्ष हैं वार्ड की, और संदीप जैन जी महिला अध्यक्ष जी है, जब बोल रही है अभी सिंह जी, गुलाब सोलंकी जी, राजेंद्र सोलंकी जी, कोई नाम भूल भी जाऊंगा दोबारा ले लूंगा, संजय गर्ग जी, अमरजीत शर्मा जी, उतारे जी आई गए, अनमोल कटियार जी हमारे बीच में पटियाले के प्रभारी हैं, ग्रेसफुल मैनर। हम लोग सब यहाँ त्योहार में एक परिवार की तरह रहे, मोदी जी ने तो हमें एक परिवार बना ही दिया है, तो उसी परिवार के सदस्य की तरह। आंटी जी आपसे मिलने के लिए बाद में आएंगी, मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपको लेट देखा। इस मंडल की सबसे पुरानी अध्यक्ष है उर्मिला नैयर जी। आंटी आप बैठो, आपसे वही, आपसे आशीर्वाद लेने वही आएगी, मैं माफी चाहता हूँ मैंने देखा नहीं था आपको, आप वही आएगी कमलजीत जी आपसे। तो लेट अस हैव इट इन ए ग्रेसफुल मैनर। अजीत हमारे मंडल के प्रेसिडेंट हैं और वो कहा बख्शी जी, तो आप कंडक्ट करें, मतलब सारी कहानी खुद कर ली, फिर बाद में कह दे आप क्या हुक्म है जी। महेश जी आ गया, मैं आप सबका परिचय, क्योंकि थोड़ा पिछले कॉरपोरेशन चुनाव में वार्ड्स के रीऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ था। ये मेरे मित्र हैं महेश बख्शी जी, क्योंकि अब आपका वार्ड जनकपुरी के कुछ हिस्से हैं और काफी बड़ा हिस्सा उत्तम नगर का है, ये उत्तम नगर में रहते हैं, हमारे बीजेपी के इस वार्ड के प्रेसिडेंट हैं महेश बख्शी जी, ये इनका कमल जी। मैं चाहता हूं कमलजीत जी यहां उपस्थित एक मेरी बहन का स्वागत करें, उनको पहचान मिलनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, जहां मन लगता है वहां कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर मेरी एक बहन यहां मौजूद है, इनकी माताजी भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और अब वो उनके स्वर्गवास के बाद हमारे चंदन नगर में एक एनजीओ चलती है दिशा स्कूल के नाम से, आप में से कोई गया वहां? एक कौन आप गई है? हम लोग गए, छोड़ दो हमने ही भेजा। देखिए क्या बात है, हम सब बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, रोज सुबह अखबार पढ़ के बहुत सारी चीजों में कमी भी निकालते हैं। बीनू जी आ गया, हुआ आ गया, ये एक लगभग 30-35 बहुत मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को पिछले कई साल से, पहले जब माताजी जीवित थी वो चलाती थी उस स्कूल को, चंदन नगर में पार्क के साथ एक स्कूल है, उन 35-40 बच्चों को उनको खड़ा करना, उनके उनके ग्रोथ की चिंता करना, उनका तो आप सब समझते हैं फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए क्या क्या करना होता है, उस एनजीओ को मेरी बहन बीनू जी चलाती है। मैं चाहूंगा आप इनका स्वागत करें, अमरजीत जी आप इनको अधिकारी उपस्थित है, क्योंकि हमारी कैंडिडेट आ रही है, हमारे दुआ साहब हैं, हमारे दूसरे जलगा के महामंत्री हैं, अब एक आध दो का नाम छूटेगा जरूर, मेरे नाम बिल फटेगा, दुआ साहब आप बिल मत फाड़ना, माइक उठा लो, यही प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही बिल फटते हैं, मैं बिलवा लाया था, आप एक दो का नाम लो तो का आशीष ने बुलाया नहीं, बिल मेरे नाम, आप तो अच्छे बनते बुरा ही मेरे नाम। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारी प्रत्याशी बहन कमलजीत सहरावत जी का स्वागत करें, जिन्होंने जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में काम करने वाली कैंडिडेट है या उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं ज्यादा बैकग्राउंड बताने की कोशिश नहीं करूंगा, जब वो बोलेंगी तो आपके सामने खुद ध्यान में आएगा। कमलजीत जी एक प्रोफेशनल है, पूर्व मेयर तो रही ही है, एक प्रोफेशनल है, हो सकता है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए इनके काउंसलिंग की भी मदद ली हो, एक विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए
एक बहुत दिल्ली भर में डिमांडेड काउंसलर के रूप में कमलजीत जी ने पिछले 25-30 सालों में अपने प्रोफेशन में जैसे अपने परिवार और पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई है, उसी तरह अपने प्रोफेशन में भी अपनी जगह बनाई है। आप सब लोग वे लोग हैं जो जानते हैं जब आपको अपने बच्चों को विदेश भेजना होता है तो कैसे आप एक काउंसलर को ढूंढते हैं, चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे जो कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में जिसे भेजा है वो खुद एक प्रोफेशनल है, जिम्मेदारी को समझती है, किस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करना है और जी जरूर पूरा कर देना। मेरे घर में लड़ाई हो रही है, मेरे पिताजी दाढ़ी नहीं काट रहे, मेरे बच्चे लड़ रहे हैं उनसे, कह रहे जी जब तक 400 पार नहीं होंगी सूद साहब ने कहा दाढ़ी नहीं काटूंगा। बच्चे लड़ रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं बाहर से, पापा पापा की दादू की दाढ़ी कटाओ। तो इसलिए जरूर